तो गाइज रिलायंस जियो ने 1 GB 1.5 GB और 2 GB के बाद अब 3 GB के बाद आपको मैंने और रिचार्ज प्लान बता दिए कि क्या किस्म में कितना फ़ायदा हो रहा है। अब हम जानेंगे रिलायंस जियो के फ्रीडम प्लान में। इसमें पहले जो रिचार्ज प्लान थे वो 2 शामिल थे फ्रीडम प्लान में, अब यहाँ पर एक ही प्लान रह गया है और वह प्लान है 296 रुपये का। तो दोस्तों रिलायंस जियो के 296 वाले फ्रीडम प्लान में आपको फ्रीडम मिलता है कि आप डेली लिमिट से यहाँ पर आज़ाद हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कॉलिंग मिलती है, इस वजह से फ्रीडम वाला प्लान है। अन्य वर्क फ्रॉम होम वाले चार्ज प्लान जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसमें और बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको डेली इस्तेमाल करना है, इसमें डेली लिमिट तो है ही नहीं बल्कि अब इसमें आपको इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करना है और आपको कॉलिंग भी करनी है तो ये प्लान अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको 1 महीने के लिए रिचार्ज करवाना है, इसमें आपको डेली लिमिट नहीं चाहिए तो ये वाला रिचार्ज अच्छा है। 296 रुपये इस प्लान का प्राइस हो चुका है। 296 रुपये वाले इस रिचार्ज प्लान में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, पूरे 30 दिन की, और इसमें आपको टोटल 25 GB इंटरनेट मिलेगा। आप चाहे पहले 25 GB को पहले दिन यूज कर लें, चाहे 30वें दिन यूज कर लें, वो आपकी इच्छा है। तो 25 GB इंटरनेट मिलेगा, उसके बाद आपकी स्पीड 64 KBPS वाली कर दी जाएगी। कॉलिंग इसमें आपको अनलिमिटेड मिलेगी, 100 SMS में आप डेली 30 दिन तक कर सकते हैं। जियो TV, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी और जियो क्लाउड, ये सभी सब्सक्रिप्शन आपको इस प्लान में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कॉलिंग भी करनी है और आपको इंटरनेट भी करना है लेकिन डेली लिमिट से आप आज़ादी होना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला रिचार्ज करवा सकते हैं जियो फ्रीडम प्लान में। अभी ये पहले 5 प्लान थे, फिर 2 हो करें कंपनी ने, अब यहाँ पर एक ही प्लान हम ले गया है और 296 रुपये वाला ही रिचार्ज प्लान है। अब 30 दिन तक वैलिडिटी के साथ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको फ्रीडम प्लान का रिचार्ज करवाना है, 296 रुपये इस प्लान का प्राइस हो चुका है और 30 दिन तक आपको नंबर पर 25 GB इंटरनेट मिल जाएगा। 25 GB को आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें समझ में अच्छी तरह आ रही हैं तो ये आपको ये रिचार्ज करवाना है, अन्यथा बिल्कुल भी इस रिचार्ज प्लान को ना करें, अवॉइड करें, वो बेहतर है।